आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं आपके ऑडिट कार्यक्रम से। और इसी संदर्भ में महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह जी का आदेश अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। यहाँ डेट की अगर हम बात करते हैं तो 30 मई 2022 का यह आदेश है। अगर विषय की बात करें तो समग्र शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2021-22 का CA फर्म द्वारा आंतरिक संप्रेक्षण कार्य कराए जाने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों इस आदेश में बताया जा रहा है, कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि आपके जनपद के आंतरिक संप्रेक्षण वित्तीय वर्ष 2021-22 का कार्य दिनांक 1/6/2022 से 10/7/2022 तक पूर्ण किए जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा चयनित CA फर्म मेसर्स अवनीश के रस्तोगी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंट लखनऊ को नामित किया गया है। CA फर्म द्वारा प्रत्येक जनपद के तिथिवार ऑडिट कार्यक्रम एवं ऑडिट स्टाफ की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया गया है कि निर्धारित तिथियों को ऑडिट दल की अपेक्षा अनुसार वांछित अभिलेख एवं अन्य प्रपत्र व सूचनाएं समय अंतर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर कार्यालय में उपस्थित रहे तथा आंतरिक संप्रेक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। संलग्न ऑडिट कार्यक्रम की सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन न किया जाए। उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भौदीय अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ऑडिट का कार्यक्रम जारी हुआ है। आइए हम आपको ऑडिट का कार्यक्रम दिखाते हैं। इस सूची में आप अपने जनपद को आसानी से देख सकते हैं कि किस तिथि में आपके जनपद में ये ऑडिट कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों ऑडिट से संबंधित प्रपत्र आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और किन किन डिपार्टमेंट में ऑडिट होना है वो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले नंबर में सीरियल नंबर है, दूसरे नंबर पे जनपदों का नाम है और जिस जनपद में जिस डेट में ऑडिट होना है वो डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। इन पंक्तियों में आप अपने जनपद के सामने देख सकते हैं किस डेट में आपका ऑडिट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो CA टीम के लीडर हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन जा रहे हैं। तो ऐसे में आप हम स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें तो आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज का कार्यक्रम ये है, अगले जनपदों में आप अपने जनपद के डेट को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। शेष जो बचे हुए जनपद हैं वो यहाँ पे हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट है, जो लास्ट पेज है वो ये है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं कि आपके जनपद में किस तिथि में आपका ऑडिट कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का यह आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिया गया है। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 3 जून 2022 यानी कल के डेट में यह आदेश हुआ है। विषय उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा के अंतर्गत भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2022 में पूर्ण भागीदारी के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों इस आदेश में बताया गया है कि उपयुक्त विषय गायत्री पीठ शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड के पत्र दिनांक 13/4/2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मानवीय मूल्यों एवं सांस्कृतिक सचेतना के विकास के उद्देश्य से विद्यालय स्तर पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दिनांक 15/10/2022 को निर्धारित की गई है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विद्यालय स्तर पर दिनांक 15/10/2022 को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के सफल आयोजन हेतु जनपद के समस्त विद्यालयों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने के साथ ही उक्त परीक्षा में विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भौदी गणेश कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक। तो दोस्तों इस प्रकार से ये परीक्षा जो है वो 15/10/2022 को होने वाली है और इसकी तैयारी संदर्भ में ये आदेश दिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं MDM के तहत सरकार द्वारा माँ अभियान योजना की शुरुआत की गई है और इस संदर्भ में आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध स्कूलों में मिड डे मील पर रहेगी माँ की नजर, हेरा फेरी पर लगेगी लगाम, इन बिंदुओं पर रहेगा नजर। प्रसिद्ध विद्यालय में बच्चों के मिड डे मील पर अब माँ की नजर रहेगी, जो प्रतिदिन खाना की गुणवत्ता परखेगी। इससे मिड डे मील में होने वाली हेरा फेरी पर लगाम लगाई जा सकेगी, बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। सरकार ने इसे माँ अभियान का नाम दिया है। दोस्तों इस कार्यक्रम के संचालन के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि 6 सदस्यीय महिला समूह में प्रतिदिन एक महिला विद्यालय जाकर मिड डे मील को चखेगी, जिसके लिए बकायदा रोस्टर बनाया जाएगा। भोजन पकाने और परोसने की विधि का अवलोकन कर रिपोर्ट संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को भी दी जाएगी। वैसे राकेश सिंह जी का कहना है कि पिछले दिनों कार्यालय में ली गई बैठक में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलों में इसे लागू करने को लेकर निर्देश दिए गए थे। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत जो प्रसिद्ध विद्यालय हैं उनमें मिड डे मील की गुणवत्ता को देखने के लिए हर विद्यालय में 6 सदस्यीय महिला समूह का गठन किया जाएगा। इसके अलावा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि स्कूलों में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं उनके अभिभावकों का चयन का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इन बिंदुओं पर रहेगी नजर, पके भोजन की गुणवत्ता देखना, छात्र को मानक अनुसार भोजन की मात्रा मिल रही है या नहीं, रसोई और बर्तनों की साफ सफाई, दूध और फल वितरण करने का समय, निर्धारित मेन्यू के मुताबिक भोजन दिया जा रहा है या नहीं,
रसोइये का मानदेय समय से दिया जा रहा है या नहीं, भोजन सामग्री समय से उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, तो इन बातों का इनको ध्यान रखना है इस योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।